म्यूजिक का हासिल है, स्पेशली जो ब्लॉग बनाते हैं, कि आप इतना इतना लंबा ब्लॉग बनाने का बाद उसमें छोटा सा एक कॉपीराइट यहाँ पर म्यूजिक मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप ब्लॉग टाइप कर सकते हैं, कुछ भी करने से 90 डेज तक रहेगा, इसके बाद में वो खुद से हट जाता है। तो फिर से मैं आ गया हूँ आपका दोस्त मिस्टर दीप जी। तो गाइस, सबसे ज्यादा कमेंट्स आया था कॉपीराइट को लेके, तो हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कॉपीराइट क्लेम क्या है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है। बहुत लोगों का कहना था कि कॉपीराइट क्लेम ज्यादा आ रहे, तो उसके लिए नॉन कॉपीराइट म्यूजिक कहाँ से लिया जाए। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दू, कॉपीराइट स्ट्राइक अलग है, कॉपीराइट क्लेम अलग है। कॉपीराइट क्लेम आपका चैनल के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक जो है आपका चैनल के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक। कॉपीराइट क्लेम किस पर आता है? कॉपीराइट क्लेम म्यूजिक पर आएगा, जिसका भी म्यूजिक आप यूज करेगा वो ओनर आपको कॉपीराइट क्लेम देगा, वहां पर आपका अर्निंग नहीं बनेगा। तो वैसे मेरा दिमाग में भी वही आ रहा था कि आप लोग जैसे सोच रहे, मेरा भी वही था कि नॉन कॉपीराइट म्यूजिक का हासिल है, स्पेशली जो ब्लॉग बनाता है, कि आप इतना इतना लंबा ब्लॉग बनाने का बाद उसमें छोटा सा एक कॉपीराइट क्लेम आपका जो मेहनत है उसमें पानी फिर देते हैं। कहीं कहीं म्यूजिक में ऐसा है कि उसमें रॉयल्टी मांगते हैं, तो बहुत ही दिक्कत है गाइस। आप मेहनत करते हैं लेकिन पैसा वो लोग लेके जाते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन हमारे साथ में है, क्योंकि आप इतना मेहनत करते हैं तो अभी कॉपीराइट नहीं आने से भी 2-3 महीना के बाद में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो आपका जो वीडियो है वो लाल हो जाता है, तो वहां पर 1 रुपया पैसा नहीं बनता है। बिना म्यूजिक का आपका वीडियो तो एकदम बेकार लगता है। तो गाइस, इसका जो सोल्यूशन हम लेके आए हैं, और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक जो है बहुत ही क्रिटिकल है हमारा चैनल के लिए, बहुत ही हानिकारक है यूट्यूब चैनल के लिए। ये तभी आपका उधर आ सकता है जब आप किसी का फुटेज यूज करते हैं, आप जब किसी का कंटेंट यूज करते हैं, तब जाके वो व्यक्ति जो है आपको स्ट्राइक दे सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक। और 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने के बाद में आपका चैनल जो है हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। और 1 कॉपीराइट स्ट्राइक आता है यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करने से भी 1 कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, और उसके बाद में वहां पर आपका वार्निंग जो है हमेशा रहेगा। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है, इसलिए जब भी आप वीडियो बनाते हैं, बच्चा का रोना, चाइल्ड एब्यूसिंग करना, वो सब मतलब कून सुन दिखाना, ये सब आप मत दिखाइएगा यूट्यूब पर, नहीं तो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है कम्युनिटी के थ्रू, और वो काफी डेंजर होता है। कम्युनिटी स्ट्राइक देने के बाद में आपका चैनल जो है 8 डेज तक पूरा बंद रहेगा, वहां पर आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकेगा, जैसे आप अपना स्टूडियो खोल सकते हैं। स्ट्राइक जो है गाइस कितना दिन तक रहता है? स्ट्राइक जो है आपको लगभग 3 मंथ्स तक रहता है, तो आपका स्ट्राइक जो है 90 डेज तक रहेगा, इसके बाद में वो खुद से हट जाता है। और जिसने भी कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक काया है उसका जो वार्निंग है हमेशा के लिए रहेगा। तो एक्चुअली कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक बहुत रिस्की है, और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मेरे दोस्त का में भी आया था, वो ज्यादा से मेरा से डेंजर था। कम्युनिटी स्ट्राइक या स्ट्राइक आने के बाद में आपका चैनल का जो रिच है बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाता है, तो इसलिए हमेशा केयर के साथ में कीजिए, और किसी का फुटेज लेके आप आगे बढ़ेगा मत सोचिए, वहां पर आपका स्ट्राइक दे सकते हैं आराम से। तो गाइस, स्ट्राइक ये था और कॉपीराइट क्लेम, अपना जो स्क्रीन है वहां पर चलते हैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने के लिए। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग अपना स्क्रीन पर एंटर हो चुके हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको पहला चीज है अपना यूट्यूब क्रोम पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, इसके बाद में आपका जो चैनल है इंटरफेस ऐसे खुल जाएगा। आपको सबसे नीचे में एक म्यूजिक लिखा रहेगा, वहां पर जाना है, इसके बाद में आपको दुनिया भर का यहां पर म्यूजिक मिल जाएगा, तो यहां पर आप ब्लॉग टाइप कर सकते हैं, कुछ भी करने से आपका यहां पर गाना आ जाएगा। तो आप यहां पर कई तरह का गाना उतार सकते हैं, लाइक आप यहां पर मूड है, आर्टिस्ट नेम है, ड्यूरेशन है, जनरल टाइटल, मतलब आपको किस तरह का गाना चाहिए, यहां पर आपको कितना मिनट का गाना चाहिए। तो यहां पर मैंने 5 मिनट का गाना 0.5 सेकेंड लिख दिया, 5 मिनट का गाना डाल के देखने से भी वहां पर निकल जाएगा। तो हर मैक्सिमम लोग ब्लॉग के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं ब्लॉग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करूँगा, और जितना आप देख सकते हैं ये गाना आप उतार सकते हैं एकदम फ्री में, यहाँ पर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है। हैप्पी चाहिए, मूड का हिसाब में भी आप उतार सकते हैं। तो इसके बाद में गाइस, डाउनलोड पे आपको क्लिक करिए, किनार में देख रहा होगा, किनार में जाना है और वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पर क्लिक करके तो यह एक्चुअली डायरेक्ट मेरा ऑडियो एडिटिंग में चला जा रहा है। तो दादा धूम गाना सॉन्ग मैंने वो किया है, इसके बाद में इसको मैं कॉफ़ी कर लूँगा,
कॉफी करने के बाद में मेरा जो इंटरफेस है आप देख सकते हैं ऑडियो आइटम, वहां पर मैं चला जाऊंगा और गाना आप सुन सकते हैं। तो गाइस गाना तो आप सुनने इस तरह आप आसानी से डाउनलोड करके अपना जो मन पसंदीदा गाना है यूज कर सकते हैं ब्लॉग में, स्टोरी टेलिंग, जहां जहां में आपका मन करे वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मैंने भी काफी सारा डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये जो मैंने आप लोग को अपना जो टेक्निक है वो बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस आपने तो स्क्रीन पर देख लिया कितना आसानी से मैंने गाना डाउनलोड किया, और जितना भी मैं म्यूजिक यूज करता हूँ यहाँ से निकल के यूज करता हूँ, और इस पर कोई टेंशन नहीं, आप बेझिझक म्यूजिक को यूज कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब खुद प्रोवाइड किया है आपको यूज करने के लिए। तो यूट्यूब या लाइब्रेरी में जाइए और वहां से आपको जिस तरीका का भी गाना चाहिए आप उठा के डाउनलोड करके आराम से यूज कीजिए, और डाउनलोड भी बहुत ही इजी है। तो ये एक्चुअली मेरा आईफोन है, आईफोन का वजह से वहां पर कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है और एंड्रॉइड में डायरेक्ट ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। तो गाइस यही था कॉपीराइट क्लेम का, जो कि बहुत ही माथा खराब करता है। कई लोग सोच रहा होगा कॉपीराइट क्लेम आने से क्या उन लोग का वॉच आवर जो है डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉपीराइट क्लेम आपका सिर्फ पैसा को गता देता है। तो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो पर बने रहने के लिए, ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का हेल्प करते रहेगा और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करेगा। जय हिंद जय भारत।